गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय बीरेंद्र। मैं क्लास फाइव में जो है आज मैंने आपका जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वह HCF एंड LCM। प्रीवियस क्लास में मैंने नंबर्स अबाउट मोड्स के बारे में आपको बताया था। अब इसका जो है यहाँ आपका जो नंबर्स आप वहाँ पढ़े थे, यहाँ आप करिए। तो बच्चों आप यहाँ पढ़ना चाहिए कि फुल फॉर्म HCF का क्या होता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि HCF का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। HCF में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और GCD जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। दो चीज़ याद कर लीजिएगा, HCF एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, GCD आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है आपका। तो यह चीज़ आप ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ ध्यान दें, एक कहता है एमोंगेस्ट द कॉमन फैक्टर टू और मोर देन टू नंबर्स द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स। कहता है एमोंगेस्ट द कॉमन फैक्टर ऑफ द टू और मोर देन टू नंबर, यानी टू नंबर चाहिए या मोर देन टू नंबर चाहिए, द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, जो उसमें लार्जेस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है इज कॉल्ड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं HCF। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ द सेम नंबर, और या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम कहते हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे एग्जांपल्स में है, जैसे 18 आपका 18 एंड 45 है। 18 एंड 45 में कौन कौन हमारे कट रहा है, 18 आप ध्यान दीजिए। यहाँ आप 18 के बारे में 18 आपका 18 आपका किसे कटेगा ध्यान दीजिए। तो 18 हमारा 18 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटता है, और 9 से आपको कटेगा और 18 से आपको कटेगा। मैंने इतना जो है 18 का इफेक्ट है उसमें। अब इसके स्थान पर आप ध्यान दीजिए, यानी फैक्टर आपको क्या है 1, 2, 3, 6, 9 और फैक्टर ऑफ द 41, 3, 5, 9, 15 एंड 35। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, यहाँ देखिए 9 है, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1, 3 एंड 9। इसमें हाईएस्ट कौन है 9। तो इसका HCF कितना होगा, HCF हमारा जो है इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको समझिए बच्चों कि HCF क्या होता है, इसलिए HCF एंड GD ऑफ द 18 एंड 45 इज 90 होता है। अब यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट। हम इसको कहते हैं कि द इफ गिवेन नंबर्स आर मोर देन टू डिजिट देन देयर HCF कैन बी फाउंड बाय द टू मेथड। मैंने क्या है, दो मेथड हमारे क्या, एक जो है वह फैक्टराइजेशन मेथड होगा, दूसरा हमारा डिवीजन मेथड। मैं आज आपको बताऊंगा दोनों को कैसे हमको करें फैक्टराइज। अब यहाँ देखें फैक्टराइजेशन बाय द एक तो फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे करना है यहाँ जाएंगे, जैसे 120 इसको फैक्टर लीजिए, 2 हुआ 60 हो गया, फिर 2 करेंगे 30 हो गया, फिर 2 से करेंगे 15 हो गया, फिर यहाँ हम करेंगे 3 से करेंगे ये 5 इतना फैक्टर। अब यहाँ देखेंगे 165 का करेंगे, 165 का हमको करने के लिए क्या होगा 165, ये 5 से आपको कटेंगे 3, फिर आपको कितना होगा 3 से करेंगे 11। तो ये आपका जो है फैक्टर 5 × 3 × 11 इसका जो है फैक्टर। अब यहाँ ध्यान देंगे कैसे हमको करना है, तो बच्चों समझिए कैसे हमको फैक्टर करना है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कैसे हमने यहाँ किया, यानी जैसे अभी बताया उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ है 2 × 3 × 5, 1 × 3 × 5 × 11। अब इसमें देर फोर HCF हमारा कितना हो गया, जिसमें मील कौन रहा है 3 × 5, ये दोनों चीज़ यहाँ मिल जाए। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 इसका HCF हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहते हैं।
अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ ध्यान सेकेंड सवाल आपको, थ्री अगर नंबर रहा तो कैसे करेगा, ईच एंड एवरी को हम करेंगे 3, 25 एंड 60, प्रत्येक का ईच एंड एवरी जो है हम करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे, यानी सब का जो है हमें फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर आप निकालना जिसको फैक्टर निकालेंगे उस वक्त एक वाइज सब उसमें जो मिल रहा है, जो टू टू आपका है, टू इसमें है, टू इसमें है, टू आपका जो तीनों में मिलेगा, यानी ये नहीं कि दो में मिला एक में नहीं मिला, कि हमको मिलना चाहिए क्या था, तीनों में मिलना चाहिए। जो नंबर आपका यहाँ 3 × 3 × 3 = 108, ये तीनों में जो है आपका कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो 108। इस मेथड को आप जो है बच्चों समझिए, इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे नेक्स्ट सवाल पे, अब यहाँ हम देखेंगे डिवीजन मेथड, इसको डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे, तब पहले हमको नंबर देखना होगा 144 हमारा क्या लेस दें 204 पहला ही है। अब हम क्या करें 144 से इसमें डिवीजन करें, यानी किस प्रकार करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हमको करने के लिए क्या होगा 144 की से डिवीजन, इसको डिवाइड 1 के 60 है। अब 60 को फिर रिमाइंडर से हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से हम करने के बाद जब 24 है फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको फिर डिवाइड, फिर यहाँ 12 है आया तो फिर यहाँ 24 करेंगे, इस तरह हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 होगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम डिवाइड की क्रिया करते रहेंगे, तो इस तरह यहाँ हमारे क्या होता है 12 इसका एचसीएफ होता है। इस मेथड को हम जो कहते हैं डिवीजन मेथड कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ एंड ऑफ थ्री मेथड, तो फर्स्ट हमको क्या करना है, इसमें देखें दो नंबर का एचसीएफ करते हैं, ये दोनों नंबर के एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए हमने डिवीजन मेथड का यूज करेंगे या फैक्टराइजेशन मेथड का, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए डिवीजन मेथड से हमने किया, डिवीजन मेथड से किया हुआ है, यहाँ आप ध्यान दें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन, इसका एचसीएफ निकालो 81 होगा। अब 81 को हम क्या करेंगे, जो इस दोनों का एचसीएफ आएगा वो थर्ड नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो थर्ड नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो 81 हमारा क्या होगा एचसीएफ, अगर नहीं होगा तो फिर इसका हम एचसीएफ इसके साथ रिमाइंडर आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ की है उसी तरह करते हैं। तो बच्चों इसको समझ गए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर, जैसे यहाँ 4 नंबर से, तो 4th नंबर को हम कैसे करते हैं, तो यहाँ ध्यान दें तो फर्स्ट हमने क्या किया 2 नंबर का पहले एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ हम निकालेंगे 2 नंबर का जो है आपका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ जो होगा आपका यहाँ दीजिएगा एचसीएफ 2 नंबर का हमारा एचसीएफ कितना होगा 3 आपका, फिर 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड थर्ड नंबर को करेंगे, अगर डिविजिबल होगा तो एचसीएफ सेम होगा, फिर उसके बाद 4th नंबर करेंगे और वह डिविजिबल हो जाता है तो एचसीएफ आपका तीनों को, अगर ये 2 का एचसीएफ और दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो वो आपका एचसीएफ होगा। तो बच्चों इसको आप समझ गए होंगे कैसे हमको निकालना है, अब उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज खुद करने के लिए कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। ओके थैंक्स।